पिछले 2.5-3 महीने में जब ये अपना कोरोना का सारा और लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, इस दौरान दिल्ली में अपने उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, पहाड़ों से आए हुए बहुत लोग रहते हैं। उनमें कई लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतना शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, आप उत्तराखंड में आके चुनाव लड़ी है। एक व्यक्ति आया अपनी बहुत सारे कॉलोनी के लोगों को लेके, उसकी बेटी के 93% नंबर आए थे और सरकारी स्कूल में, तो उसने कहा मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने अच्छे नंबर आएंगे, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बेटी डॉक्टर बन सकती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन सकती है। सब लोगों ने कहा कि आप उत्तराखंड में चुनाव लड़ी है। हमें क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े, तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने, फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में मुझे लगता है कि 3 मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रोजगार नहीं है बच्चों के पास, जिसकी वजह से उत्तराखंड से पलायन बहुत हो रहा है, कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। अगर वहीं रोजगार मिलेगा तो लोग अपने घर में रह के ही रोजगार करना चाहते हैं। दूसरा, वहाँ पे स्कूलों की बड़ी प्रॉब्लम है, शिक्षा की बड़ी प्रॉब्लम है, कॉलेजेस की बड़ी प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज़्यादा शोषण है। तो जैसे दिल्ली के अंदर हमने ठीक किया स्कूलों को, शिक्षा को, वैसे ही वहाँ भी लोगों को अब ये भरोसा है कि यही लोग ठीक कर सकता है, इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, अब ये उत्तराखंड में भी करेंगे। और वैसे ही स्वास्थ्य सेवाओं का, अस्पतालों का, इसका बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे एक प्रथा है डंडी खंडी करके, जिसमें पहाड़ों के ऊपर लोग रहने वाले, वहाँ पे आसपास कोई अस्पताल, कोई क्लिनिक नहीं होता, तो अगर कोई बीमार हो जाए तो अपनी खटिया के ऊपर किसी को बिठा के और फिर दूर अस्पताल पैदल लेके जाते हैं। तो अब गांव-गांव के अंदर क्लिनिक खुलने चाहिए। जैसे दिल्ली में जब किसी ने यकीन नहीं किया था कि हर मोहल्ले में क्लिनिक खुल जाएंगे, ऐसे ही लोग जब मैं कहता हूँ तो यकीन नहीं करते कि गांव-गांव के अंदर, बस्ती-बस्ती के अंदर क्लिनिक हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में हुए वहाँ भी होंगे। नहीं, पार्टी तो बिल्कुल गंभीर है, तभी हमने ऐलान किया और तभी ये सर्वे करने के बाद, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले जितने उत्तराखंड के लोग हैं, ये जब वापस अपने घर जाते हैं, और तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे काफ़ी चर्चा है उत्तराखंड के अंदर दिल्ली मॉडल की, वहाँ पे काफ़ी चर्चा है उत्तराखंड के अंदर दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली के अस्पतालों की। अगर आप एक तरह से देखें तो 70 साल में पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि जब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो उसके साथ सौतेला व्यवहार होता था और इसीलिए उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाया। उत्तराखंड के लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बना, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद भी क्या मिला? वही बीजेपी, वही कांग्रेस। 2000 से 2002 तक बीजेपी आई, फिर उसके बाद कांग्रेस आई, 2002 से 2007 तक, फिर 2007 से 2012 तक फिर बीजेपी आई, फिर उसके बाद अगली फिर कांग्रेस आई, और उसके बाद अब फिर बीजेपी आई, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, यही दिल्ली में था। तो लोगों को अब दोनों पार्टियां देख ली, दोनों पार्टियों को कई बार मौका देके देख लिया, लेकिन ना स्कूल सुधरे, ना अस्पताल सुधरे, ना सड़कें सुधरी, ना लोगों की जिंदगी सुधरी, ना नौकरियां मिली, ना बिजली सुधरी, ना पानी सुधरा, कुछ नहीं सुधरा। अब लोगों को ये उम्मीद है कि ये आम आदमी पार्टी जो है, इसने दिल्ली में करके दिखाया तो यहां भी करेंगे। दोनों पार्टियों से उम्मीद खत्म हो चुकी है लोगों की, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों की। चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। आज अगर आप किसी भी देवभूमि के किसी भी व्यक्ति से पूछें कि क्या उसे लगता है कि कांग्रेस उनके परिवार को भविष्य दे सकती है, नहीं दे सकती। कांग्रेस तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग, 14 लोग कांग्रेस के बीजेपी में जाके शामिल हो, कांग्रेस तो बची नहीं है। बीजेपी को तीसरा या चौथा मौका ये मिल रहा है, क्या बीजेपी भविष्य दे सकती है? बीजेपी आज कोरोना का क्या हाल हो गया है उत्तराखंड के अंदर, तो क्या बीजेपी भविष्य दे सकती है? बीजेपी भी भविष्य नहीं दे सकती, बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है लोगों को, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों को। चुनाव उम्मीद पे लड़े जाते हैं, अगर उम्मीद है लोगों को तो लोग काडर बनेंगे, लोग समय देंगे, लोग घर घर जाके वोट मांगेंगे, लोग वोट देंगे, केजरीवाल के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। चेहरे बहुत निकल के आएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए।
1 करोड़ लोग उत्तराखंड के, उनके साथ मिलके एक उत्तराखंड मॉडल बनाएंगे, जैसे दिल्ली मॉडल है, एक देवभूमि मॉडल होगा जो पूरी दुनिया में फेमस होगा। बिल्कुल, फरवरी 2022 में जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे उनमें सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी।